के बाद आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला विश्नोई समाज आज अपने धर्म गुरु जम्भेश्वर भगवान के दर्शनों के लिए मुकाम धाम में उमड़ पड़ा। ये है विश्नोई समाज का सबसे बड़ा धाम मुक्ति धाम मुकाम। ये बीकानेर की नोखा तहसील में है। यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर की पवित्र समाधि है। इसी कारण समाज में सर्वाधिक महत्व मुकाम का ही है। फागुन महीने की अमावस्या के अवसर पर आयोजित साल के सबसे बड़े मेले में गुरु जम्भेश्वर की समाधि पर धोक लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु संगमरमर के विशाल और भव्य मंदिर के आंगन में पर्यावरण शुद्धि के लिए घी और खोपरों की आहुति देकर यज्ञ किया। साल के सबसे बड़े मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश विदेश से विश्नोई समाज के लाखों लोग आए। इस वार्षिक मेले में विश्नोई समाज का खुला अधिवेशन भी आयोजित होगा, जिसमें देश भर से आए समाज के प्रबुद्ध लोग और राजनेता समाज के विकास को लेकर विचार मंथन करते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे विश्नोई महिला और पुरुष गुरु जम्भेश्वर के जयकारे लगाते हुए अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुकाम मंदिर के आसपास मेला स्थल पर अस्थाई दुकानें भी सज चुकी हैं और जम्भेश्वर सेवक दल के स्वयंसेवक मेले की व्यवस्थाओं में जुटे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले विश्नोई समाज के लाखों श्रद्धालु आज मुक्तिधाम मुकाम में गुरु जम्भेश्वर भगवान को धोक देते हुए विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। घी और खोपरों की मदद से यज्ञ करते विश्नोई समाज के ये लोग न केवल पर्यावरण शुद्धि का संदेश देते हैं, बल्कि जीवों के प्रति अपने अतुल्य प्रेम को भी दिखाते हैं। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि विश्नोई, एटीवी न्यूज, बीकानेर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए।